अभी आपको नया लेसन पढ़ना है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जिसमें आपके पास वेरिएबल एक से ज़्यादा रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे और आपके पास उसमें फंक्शन रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, ऐसे आपके पास वो फंक्शन भी रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ है बेटा, देखो x प्लस 3 टू वाई माइनस 5, 3x स्क्वायर 4xy माइनस 7 सॉरी प्लस 7, ऐसे आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको अपन बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बोला हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको जो नंबर दिए हुए हैं ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है, उसके इसके कांस्टेंट नंबर है। यू नो दैट द वैल्यू ऑफ y इज़ द एक्सप्रेस 2y माइनस 5 मे बी एनी थिंग, इट कैन बी 2 5 माइनस 3 0, 5/2 7/3 माइनस 7/3 एट्सेट्रा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, अगर वो नंबर्स को जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 बोला है, अगर अपने यहाँ y के जगह पे 2 वैल्यू पुटअप करें, माइनस 5 यानी 2 4 2 2 4 माइनस 5, तो आंसर कितना है आपके पास माइनस 1। ऐसे आपके पास यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है बेटा, यहाँ पे आपके पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ है नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन, यानी आपके पास जो नंबर दिया है वो नंबर लाइन पे कैसा एक्सप्रेस, अपन नंबर लाइन पे कैसा इसको बनाएंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला, x प्लस 5, देखो 0 टू x यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5, यानी ये पूरा x हो गया प्लस 5, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया x प्लस 5। सेम वैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 और यहाँ पे क्या बोला है, x मे बी एनी वेयर ऑन द नंबर लाइन बट इट इज़ डिफाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 इज़ गिवन बाय अ पॉइंट पी तक दिए हुआ है और 5 यूनिट टू द राइट ऑन द x एक्सिस, यानी प्लस बोला तो राइट हैंड साइड में जाना है और माइनस बोला तो आपको क्या जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। देखो यहाँ पे बोला है x माइनस 4 विल बी 4 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ x एंड सो ऑन, यानी आपको अगर नेगेटिव में दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना है और पॉजिटिव में दिया है तो राइट हैंड साइड में आपको काउंटिंग करना है बेटा नंबर लाइन की। अभी यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं और फिर यहाँ पे आगे में आपको क्या बोला है, टर्म फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे टर्म जो है बेटा, देखो जैसे यहाँ पे 4x प्लस 5 दिए हुआ है मैडम, यहाँ पे आपको जो दिए हुआ है ट्राई दिस, अब यहाँ पे ट्राई दिस में क्या बोले, गिव 5 एग्जांपल ऑफ द एक्सप्रेस कंटेनिंग वेरिएबल एंड 5 एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स, यानी आपको कैसे बताना है, ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसमें वेरिएबल है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना है आपको जिसमें 2 वेरिएबल हैं, यानी आपके पास ऐसे जो एग्जाम्पल रहेंगे जैसे आप अपने को एग्जाम्पल ही बोले हैं जिसमें आपको वेरिएबल जैसा x, x माइनस 2, ऐसे आपके पास ये सिर्फ वेरिएबल के आ जाएंगे बेटा। आपको कितने बोले हुए, 5 एग्जाम्पल बोले हुए हैं फर्स्ट इसके और 5 एग्जाम्पल बोले आपको ये एक्सप्रेशन के, यानी आपको इसके सेंस में आपको क्या चाहिए बेटा, एक्सप्रेशन भी चाहिए और उसके साथ साथ आपको वेरिएबल के साथ कंटेनिंग, यानी आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे 2x^3 माइनस 2x माइनस 1, ऐसे आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे आपके पास 5 एग्जाम्पल आपको बनाना है। शो ऑन द नंबर लाइन x x माइनस 5 2x प्लस 1 3x माइनस 1 अभी सॉरी माइनस 2, इसको आपको नंबर लाइन पे बताना है। अब इसको नंबर लाइन पे सिर्फ आपको x बताना है तो आपको एक नंबर लाइन लेना है, उस पर सिर्फ डॉट करके 0 जैसे यहाँ पे आपको दिए हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये p लेना है, क्या नहीं, ये हो गया आपका x। फिर आपको दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा, x माइनस 4, तो अभी x माइनस 4 है तो हमने क्या बोला था आपको निगेटिव में जाना है, यहाँ बोला है ना निगेटिव में जाना है, तो आपको यहाँ पे x लेना है, इधर साइड में आपको डिस्टेंस लेके क्या बताना है 4, यानी वो हो जाएगा आपके पास निगेटिव साइड, ऐसा आपको उसकी नंबर लाइन निकलना है। अगर नहीं जमा तो मुझे पूछना, मैं आपको और बता दूँगी बेटा। यहाँ पे 2x प्लस 1 बोला हुआ है, अब यहाँ से यहाँ तक आपको जैसा एक लाइन लिए बेटा, आपके पास यहाँ पे 0 लिए, ये एक लाइन लिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके बता दूँ, ये देखो यहाँ पे आपने ये 0 यानी स्टार्टिंग कर दी, यहाँ से यहाँ तक आपका x, ये x हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका x यानी 2x हो गया। फिर आपको क्या बोला है प्लस 1, तो इसके आगे और एक डिस्टेंस लेना है p और यहाँ पे क्या करना है 1 इसका डिस्टेंस लेना है, यानी x प्लस x ये हो जाएगा 2 और फिर प्लस 1 यानी यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस हो जाएगा 1, यानी ये 2x प्लस 1। वैसे ही 3x
माइनस टू, तो इधर ऐसा थ्री एक्स एक्स ऐसे तीन बार लेना है, उसके बाद में और निगेटिव में जाना है एन एन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपको निगेटिव का डिस्टेंस लेना है। ये ट्राई दिस आपको करना है बेटा। अब यहाँ पे टर्म क्या बोला, यहाँ पे आपके पास टर्म फैक्टर एंड कोएफिशिएंट। अभी टर्म बोले तो बेटा आपके पास यहाँ पे फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये कितनी टर्म हुई बेटा, दो टर्म कितनी टर्म हुई टू, एंड आपके पास एक ही फंक्शन है और उसके बाद में और इधर में भी आपके पास तरह कुछ नंबर्स वेरिएबल के साथ है या कुछ कांस्टेंट है, तो ऐसे इसमें आपको कितनी हो गई दो टर्म। अगर वेरिएबल के आपके पास जैसा फंक्शन आपके पास तीन है, हाँ देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा नंबर है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे कितना हो गया ये फोर टर्म हो गई, कितनी टर्म हो गई फोर टर्म, एंड आपके पास अगर फंक्शन जो है वो जितने भी रहेंगे उससे एक टर्म ज़्यादा काउंट करना है, जैसे यहाँ पे टू टर्म। अब फैक्टर्स, अभी इसके अगर अपन ने फैक्टर्स बनाए तो आपके इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा क्या, नहीं, अगर कॉमन निकलता होगा तो उसका क्या हो गया कॉमन फैक्टर्स। अब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोले तो आपके पास जो भी वेरिएबल है वेरिएबल के सामने जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे आपको ये इसमें दिए हुए हैं, आप ये और एक बार पढ़ लेना। फिर यहाँ पे आपको मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, अब यहाँ पे जो टर्म दिए हुए है अगर आपके पास सिंगल टर्म है जैसे यहाँ सिंगल है तो इसको क्या बोलना है मोनोमियल, अगर आपके पास ऐसी दो टर्म है तो उसको बोलना है बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल और चार टर्म है तो पॉलिनोमियल्स, यानी तीन तीन के बाद में जितनी भी वैसा देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल्स ही है, वन भी है तो वो पॉलिनोमियल्स ही है बेटा। जैसा आपके पास ट्रायंगल थ्री साइड है उसको ट्रायंगल बोला जाता है बेटा, फोर साइड है उसको क्वाड्रिलेटर बोला जाता है, लेकिन उसको पर्टिकुलर नाम है स्क्वायर रेक्टेंगुलर रोम्बस, सेम वैसे ही बेटा ये सभी पॉलिनोमियल्स है, बट वन है इसलिए इसको मोनोमियल ऐसा नाम दिया है, टू है इसलिए बाइनोमियल, थ्री इसलिए ट्राइनोमियल, तीन से ज़्यादा इसलिए इसको पॉलिनोमियल्स ऐसा नाम दिया है बेटा। अभी यहाँ पे अपने पास अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद में मोनोमियल ये हो गया, अभी अपने पास यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक टर्म पढ़ना है। अब लाइक टर्म बोले तो उसका वेरिएबल जो रहेगा चाहे वो एक्स रहो वाई रहो जेड रहो कुछ भी रहो, तो सभी के इसमें अपने पास एक्स एक्स आने को ना, ये हो गया आपके पास लाइक टर्म। अगर आपके इसमें जो दिए हुआ जैसे ये एक्स एक्स ये हो गया आपके पास लाइक टर्म, अभी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर ये हो गई लाइक टर्म, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म हो गई, ये एक्स की लाइक टर्म होगी। सेम वैसे ही यहाँ पे वाई जो दिए हुआ है सिंगल वाई, वाई अलग से कुछ है क्या वाई बेटा, नहीं वो अलग हो गया है, एक्स वाई ये लाइक टर्म हो गया, फिर वाई स्क्वायर है क्या ये अलग हो गया वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अपने को कुछ एग्जांपल दिए, देखो सेवन एक्स वाई माइनस फाइव एक्स वाई यानी एक्स वाई ये लाइक टर्म हो गई, सेवन एक्स सेवन वाई नॉट अ लाइक टर्म क्योंकि ये अलग अलग है, फिर अपने पास सेवन एक्स और सेवन एक्स वाई अगर अपन बोलेंगे इसमें तो एक्स है बट इसमें वाई भी है इसलिए ये नॉट अ लाइक टर्म, अगर आपके पास एक्स है और एक्स स्क्वायर लिए अपन ने तो वो भी नॉट अ लाइक टर्म, यानी आपके पास जो वेरिएबल आप लेंगे वही वेरिएबल आपको हर इसमें चाहिए उसको बोलते हैं अपन लाइक टर्म। अभी यहाँ पे अपने को बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी मैं डेफिनेशन बता दूंगी, फिर आपके पास यहाँ से एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन चालू हो जाएंगे बेटा। अभी मैं यहाँ पे आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है वो डेफिनेशन आपको लिख के दे रही हूँ। अभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ द नंबर एंड वेरिएबल एंड नंबर कॉमा वेरिएबल, एंड आपके पास इसमें जो रहेंगे वो फंक्शन आने को ना, तो इसमें क्या लिखेंगे एंड कनेक्टिंग कनेक्टिंग बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक फर्स्ट है डिवीजन, सेकंड आ जाएगा आपके पास में मल्टीप्लीकेशन, थर्ड में आ जाएंगे बेटा एडिशन और फोर्थ में है एक मिनट सब्ट्रैक्शन। मैडम हम तो सबसे पहले एडिशन बोलते हैं फिर सब्ट्रैक्शन, नहीं बेटा अगर आपके पास इक्वेशन है
अगर वो इक्वेशन में डिवीजन है तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना है सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। इसलिए मैंने वही फॉर्म में आपको लिख के दिया है। ऐसे जो ऑपरेशन के साथ में जो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी उसको बोलना है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ बेटा, 5x प्लस 3 माइनस 2y प्लस जेड। आपके पास ये जो है ये देखो, ये एक आपके पास अलजेब्रिक होगी, बट कैसे प्लस माइनस से अटैच है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से अटैच है, यहाँ पे भी। अगर आपके पास डिवीजन आया तो आप डिवीजन से, यानी सेकंड एग्जांपल ऐसा भी लिख सकते हैं 5/2x माइनस वाई, ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं बेटा, यानी आपके पास ये होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे एडिशन, मैडम यहाँ पे तो एडिशन पहले दिया है, सबसे पहले सिखाते समय एडिशन सिखाते बेटा, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय अगर उसमें डिवीजन भी आता है, मैं अलजेब्रिक इक्वेशन को बोल रही बेटा, यहाँ पे तो आपको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले कैसा करना ये बता रहे हैं, लेकिन आपके पास जब बोडोमस अगर सॉल्व करते हैं तब की बात बोल रही हूँ मैं, डिवीजन पहले सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अभी आपको यहाँ पे एडिशन बताना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 7x² माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10। अगर आपको एडिशन बोला है तो एंड की जो साइन है उसकी जगह आपको प्लस की साइन डालना है। ये आपको वर्टिकली में बोला है, ऐसे ही बेटा मैं आपको हॉरिजेंटली में समझा के दे रही हूँ, यही आपको हॉरिजेंटली में समझा के दे रही हूँ। देखो ये वर्टिकली दिया है आपके पास, क्या बोला है वर्टिकली, 7x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस कितना दिया आपको 9x और माइनस 10। अभी यहाँ पे आपको वेरिएबल यानी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना कंपलसरी रहता है बेटा। अभी 10 में से 5 गया तो कितना बचा आपके पास माइनस 5, 9x में से 4 गया तो कितना बचा 5x, वो भी क्या है पॉजिटिव क्योंकि बड़ी की साइन, और ये 7x², ये हो गया बेटा आपके पास वर्टिकली। अब इसको ही आपको हॉरिजेंटली में सॉल्व करना है तो 7x² माइनस 5x प्लस 5 प्लस 9x माइनस 10। अभी लाइक टर्म को पास में लाना है, 7x² माइनस 4x प्लस 9x प्लस 5 माइनस 10। ये आए बेटा लाइक टर्म पास में, फिर इसके साथ कोई है क्या वेरिएबल माइनस प्लस करने के लिए, नहीं, जैसा का वैसा लिखे। 9x में से 4x गए तो बच्चा आपके पास 5x क्योंकि बड़े की साइन दिए, 10 में से 5 गए तो माइनस 5 आया, दोनों का आंसर सेम बेटा। ये होगी बेटा आपके पास एडिशन। ऐसे आपको सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये अगले वीडियो में मैं बताऊँगी बेटा।